प्यारे बच्चों आदाब, खैरियत से है ना? ठीक है ना? जी ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या क्या बताया है? क्या? हाँ, एक बच्चे के बारे में बताए थे। उस बच्चे ने दोस्तों के साथ बाग में गए और खेलने लगे। अच्छा बच्चों, ये तस्वीर देखिए, गौर से देखिए। तस्वीर में क्या क्या है? तस्वीर तस्वीर में क्या है बताइए। जी हाँ, चिड़िया है और डाक बॉक्स, डाक बॉक्स है और पैर घास है, घास है और बताइए क्या है। हाँ, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन है। जी हाँ, तो मैं एक सवाल पूछूं। सुधीर तैयार है? जी, डार्क बॉक्स के अंदर कौन है? डार्क बॉक्स के अंदर कौन है? कौन है? चिड़िया है, चिड़िया के अंदर एक चिड़िया है और ऊपर एक चिड़िया, ऊपर बैठने वाले चिड़ियों के हाथ में क्या है? हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में मोबाइल फोन। डार्क बॉक्स के नीचे, डार्क बॉक्स के नीचे क्या है? क्या है? नीचे घास है। डार्क बॉक्स के नीचे घास क्यों है? और डार्क बॉक्स के अंदर कौन है? एक चिड़िया है। उसकी वजह क्या होगा? क्या है, क्या है? हाँ जी, उसमें खत डालने वाला कोई नहीं है। डाक बॉक्स में खत डालने वाला, खत डुन्न वाले, डाक बॉक्स खत इडा वेंडी ले, खत इडा वेंडी आन ले, पक्षे खत डालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसके अंदर एक चिड़िया आया। आप लोग इस तस्वीर से मुताल्लुक संद जुमले तैयार कीजिए। बच्चों, ये तस्वीर देखकर आप क्या जानते हैं? आपको क्या समझ में आती है? आपकी ख्यालात अपने अल्फाज में लिखिए। ये चित्र कंडिट നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് നിങ്ങളുടെ മേരി പ്യാരി കിതാബിൽ എഴുതൂ. ബച്ചോ, ഇസ് തസ്വീർ സേ ഹം യേ ബതാ സക്തേ ഹേ കേ ആജ് ഖത്ത് ലിഖ്നേ വാലോ കി താദാദ്, ഖത്ത് ലിഖ്നേ വാലോ കി താദാദ് എണ്ണം बहुत कम है, बहुत कम है, वाले कम आने पर हो। आपको मालूम है एक बच्चा जिसका नाम रागेश है, रागेश अब बहुत खुश है। पहले वो दुखी थी, वो शादी घर में जाकर बच्चों के साथ उछलते कूदते चाड़ी कलिका करें, वो बहुत खुश है। वो अपनी खुशी की बातें भाई जान से खत के जरिए लिखने लगे।
കത്തിലൂടെ വായിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? സന്തോഷകരമായ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അവൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓ ക്യാ ക്യാ ലിഖാ ഹോഗാ, ഓ ഖത്ത് മേ ക്യാ ക്യാ ലിഖാ ഹോഗാ, ക്യാ ക്യാ ലിഖാ ഹോഗാ. हाँ हाँ वो घर में अकेला है, अकेला है घर में, वो अकेला है. बच्चे उसके घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जैसे कई खेल खेलते हैं. लेकिन राजेश की अम्मी हमेशा ये कहते हैं, पढ़िए पढ़िए, लिखिए, ट्यूशन में जाइए, खेलो पढ़ो, ट्यूशन को ट्यूशन को. उसके बाद वो खाला जान की बेटी की शादी में गए, खाला जान की बेटी की शादी के लिए गए. वहाँ कई बच्चे थे, उन बच्चों के साथ वो उछलता कूदता रहा. ये सब वो अपनी खत में लिखने लगा. वो कैसे हो गए, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ദേഖേ, നമുക്ക് കാണാം. ദേഖിയെ കാലിക്കറ്റ്, ബാര ജൂൺ 2014. പ്യാരേ ഭായിജാൻ ആദാബ്, ആപ് കൈസേ ഹേ, ആപ്കി പഠായി കേസി ചൽ രഹി ഹേ. അമ്മിജാൻ आप ही की बातें करती रहती है. मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना है, खेलकूद का मौका ही नहीं. भाईजान एक खुशी की बात बताओ, आज हम सब खालाजान के यहाँ शादी में गए थे, खालाजान की बेटी की शादी थी. हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहां आए थे, मैं बच्चों के साथ खेला कूदा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. जब आप आ जाएंगे तो हम जरूर इन रिश्तेदारों के घर जाएंगे. आपका प्यारा भाई रागेश. बच्चों, ये रागेश अपने भाईजान को लिखी हुई एक खत है. खत में क्या क्या है देखे. ये कहां से लिखा? कालीकट से लिखा. कब लिखा? 12 जून 2014. June 12 കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് രാകേഷ് കത്തെഴുതുന്നത്. ആർക്ക്? ഭായിജാൻ. ഇസ്ലിയെ പ്യാരേ ഭായിജാൻ ആദാ, പ്യാരേ ഭായിജാൻ ആദാ. ആപ് കൈസേ, ആപ് കൈസേ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? എങ്ങനെ ഉണ്ട് നിന്റെ പഠായി പഠനം? अम्मी जान आप ही की बातें करती रहती है. अम्मी जान आप ही की बातें करती रहती है. अम्मी जाने पढ़ो, अम्मी जाने पढ़ो, आप ही की बातें करती रहती है, आप ही की बातें करती रहती है. इन्ने कुछ तन्ने आना भी जाने पढ़ो पढ़ाया होगा. मैं यहाँ बिल्कुल अकेला, मैं यहाँ इवेड़े बिल्कुल अकेला, अकेला तनी इंसान. हर वक्त, हर वक्त എല്ലാത്തിലും പഠിനാ ഹീ പഠിനാ ഹൈ, പഠിനാ പഠിനാ പഠിനാ. അമ്മിജാൻ
हमेशा ये करती है, पढ़ो पढ़ो इसी तरह करते हैं। मुझे खेलकूद का मौका ही नहीं, सब बच्चे खेलते हैं और मैं यहाँ, मुझे खेलने की इजाजत नहीं है, खेलकूद का मौका ही नहीं। भाईजान एक खुशी की बात बताओ। भाईजान मैं एक खुशी की बात बताओ, आज हम सब कौन कौन है, मैं, अम्मी जान और दादी अम्मा, हम सब खाला जान के यहाँ शादी में गए थे। खाला जान के यहाँ शादी में गए थे, खाला जान की बेटी की शादी थी। किसकी शादी है? खाला जान की बेटी की शादी थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहां आए थे। मैं बच्चों के साथ खेला कूदा, यानी अवड़ेला बच्चों के साथ खेला कूदा, अवड़ना नन्नाई कलिचु तुल्लिचु। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് കോയി ടിക്കാനിക്കുന്ന ഒരു അതിരുമില്ലായിരുന്നു। ജബ് ആ ജായേംഗേ തോ വരികയാണെങ്കിൽ ഹം ജറൂർ ഉൻ രിഷ്തേദാറോക്കെ ഗർ ജായേംഗേ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഉൻ രിഷ്തേദാറോക്കെ ഗർ ജായേംഗേ। ആപ്ക പ്യാര ഭായ് രാകേഷ്। बच्चों एक बार हम पढ़े, आप भी मेरे साथ पढ़िए। कालीकट, 12 जून 2014। प्यारे भाईजान आदाब, आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अम्मी जान आप ही की बातें करती रहती है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, हर वक्त पढ़ना ही पढ़ना है। खेल कूद का मौका ही नहीं, भाई जान एक खुशी की बात बताओ, आज हम सब खाला जान के यहाँ शादी में गए थे। खाला जान की बेटी की शादी थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ आए थे। मैं बच्चों के साथ बहुत खेला कूदा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब आप आ जाएंगे तो हम ज़रूर उन रिश्तेदारों के घर जाएंगे। आपका प्यारा भाई रागेश। बच्चों आप पढ़ा, मेरे साथ पढ़ा जी, ठीक है। तो मैं एक सवाल पूछूं, सोच रहे कहते हैं, ये खत कहाँ से लिखा, ये खत कहाँ से लिखा, एवडन ने लिया था बताइए। हाँ, कालीकट से लिखा, बहुत अच्छा यागेश। ये खत किसको लिखा, किसको लिखा बताइए जी। जी रागेश ने अपने
भाईजान को लिखा। राजेश ने भाईजान को लिखा। बहुत अच्छा। माफ कीजिए मैं भूल गया था, क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं भूल गया। बच्चों आज खत लिखने वालों की तादाद कम है, खत लिखने वाला बहुत कम है, सब ये इस्तेमाल करते हैं, है ना? आप खत के बजाय क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? खत अल्लाह ने खत हमारी खबरें पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഖത്ത് എഴുതുന്നു. ഖത്തല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ബതായിയേ ക്യാ ഹൈ, ബതായിയേ ആജ് ക്യാ ക്യാ ഇസ്തമാൽ കർത്തേ ഹൈ ജീ? മൊബൈൽ ഫോൺ, ടെലിഫോൺ, ഓർ ക്യാ ഹൈ? ആ ഇമെയിൽ, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ജീ ബതായിയേ ഇസി തരഹ കെ കൈ सोशल मीडिया आज मौजूद है। तो हम देखिए ये खत रागेश की भाईजान को मिला। भाईजान ये खत मिलने के बाद उसका जवाब, उसकी जवाब कैसे भेजता है अपने मोबाइल में? एसएमएस करके भेजना चाहता है, एसएमएस करके भेजना चाहता है। वो अपने एसएमएस में क्या लिखा होगा? एसएमएस कैसे लिखूं? मुख्तसर, बहुत छोटा, ले परसेंट ऑफ जो एसएमएस हो, एसएमएस हो कुछ मात्र है वो, ले वो क्या-क्या लिखा होगा? क्या लिखा एसएमएस में बताइए। हाँ खत मिला, मैं जरूर अगले हफ्ता आऊँगा। आपका खत मिला, मैं अगले हफ्ते आऊँगा। और हाँ आपकी खत मिलकर मुझे बहुत खुश हुआ, मैं जरूर आऊँगा। इसी तरह बहुत छोटी छोटी जुमले में ये समस भेजना है। तो आज दो सरगर्मियां हैं। पहला सरगर्मी ये तस्वीर देखकर अपने ख्यालात लिखिए, दूसरा भाईजान ने राजेश को एसएमएस भेजना चाहा, उसने एसएमएस में क्या लिखा होगा? वो अपनी मेरी प्यारी किताब में लिखिए। इन രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രം നോക്കി ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ